जिंदगी तो छीन ली कातिलों ने श्री सुशांत राजपूत की, लेकिन कम से कम उसकी दिवंगत आत्मा को तो न्याय मिल जाए, उस परिवार को तो न्याय मिल जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बयान देते हुए आए हैं। इन्हीं सेलिब्रिटीज में बाबा रामदेव जी भी शामिल हैं, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी थी। बाबा रामदेव ने एक निजी चैनल से बात की थी, उसी दौरान उन्होंने ड्रग और उसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया था। साथ ही सुशांत के केस में ड्रग के लेन देन में आरोपी सितारों के बारे में भी बहुत सारी बातें कही थी। बाबा रामदेव जी ने बॉलीवुड सितारों के बारे में कहा था, ये नशेड़ी हैं, ये कोई ब्रांड नहीं है, इन्होंने देश का भंटाधार कर दिया है, ये एक तरह से नशे में जीने वाले नर्क के कीड़े हैं, इन्हें कौन मानेगा अपना आदर्श। बाबा रामदेव ने आगे कहा था, आज सुशांत सिंह राजपूत जैसा होनहार लड़का हमारे बीच नहीं है, इसकी वजह उसको जबरदस्ती नशा देना था, वो लड़का नशा और इस तरह का कदम खुद कभी नहीं उठा सकता था, या तो उसे उकसाया गया या फिर उसे जबरदस्ती इस दुनिया से भेज दिया गया था। इतना ही नहीं, योग गुरु बाबा रामदेव जी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में बाबा रामदेव हवन करते हुए नजर आए थे। बाबा रामदेव ने कहा कि ये हवन सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति देने के लिए किया जा रहा है। बाबा रामदेव ने वीडियो में कहा कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से जब बात की, परिवार वालों का जब दर्द सुना तो उनकी भी रूह कांप उठी थी। बाबा ने कहा, पतंजलि में सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और ये भी कहा कि हम चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। मैंने संगत श्री सुशांत राजपूत की बहन और परिजनों से जब बात की, तो जो उनका दर्द सुना उससे मेरी भी रूह कांप उठी, और हम सब पतंजलि योगपीठ में उस दिवंगत आत्मा के लिए, श्री सुशांत राजपूत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को अपनी शरणागति और शांति प्रदान करें, और सुशांत राजपूत को और उनके परिजनों को न्याय मिले। आज हम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, और ये आज़ादी हमने इसीलिए पाई थी कि सबको न्याय मिले, किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना, सबको आज़ादी से जीने का हक मिले। जिंदगी तो छीन ली कातिलों ने श्री सुशांत राजपूत की, लेकिन कम से कम उसकी दिवंगत आत्मा को तो न्याय मिल जाए, उस परिवार को तो न्याय मिल जाए जो दर दर की ठोकरें खाते हैं। हम प्रभु से आज पतंजलि योगपीठ में हरिद्वार धाम में यही प्रार्थना करते हैं। ओ शांति 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 ही।